मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजीव की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो एक बार आप लोगों को देख ले तो पता चलेगा कि उसका आप लोगों के बारे में क्या ख्याल है। मैंने राजीव को ऐसी तालीम दी है कि उसे पहली नजर में इंसान की असलियत का पता लग जाता है। लगता है राजी आ रही है, उसे बताना नहीं कि आप किस लिए आए। जी ठीक है। मॉर्निंग बेटा। बेटा ये दिग्विजय सिंह जी हैं, इनका जोहान्सबर्ग में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। हेलो, नाइस टू मीट यू। मिस्टर रावल, देयर इज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम मिनिस्ट्री। ओके, आप लोग बात कीजिए, मैं भी आता हूं। गुड लक। आइए, हम यहाँ बैठते हैं। क्या पियेंगे, चाय या जूस? चाय चलेगी। आप यहाँ केप टाउन में कोई खास काम? बेटी तुम ही बताओ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? लगता है आप कोई महंगी चीज खरीदने आए हो, मगर सस्ते में है ना? Sharon, where are you? Sharon, Sharon, my child. क्या हुआ? राजीव साहब जीप लेकर उस तरफ चली गई। मगर क्यों? आदमखोर चीता बच्चे को उठाकर ले गया है, अभी तक 3 बच्चे खा चुका है। Shit! अरे रामू, क्या हिलर हुलर कर रहा है? इस कीमती मूर्ति पर एक खरोच भी आ गई तो साहब तुझे ठीक कर देंगे। उनका गुस्सा देखा है तूने? टोटल मत जाप, जल्दी हमें इतनी भूख लगी कि हम दो चार शेर भी खा जाएं। आप लोग भाभी, आज तो शिकार में बहुत मजा आया, मरते मरते बची मैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसे शिकार पे मत ले जाया कीजिए। क्यों, कुछ खतरा हो गया तो? भाभी, अरे मेरी तो ननंद भी यही है, बहन भी और सहेली भी। जा तुम हाथ धो के। ओके।
सुमन, अरे वहाँ कौन है? अरे वो दिग्विजय सिंह जी आए थे क्या रजो को देखने? हाँ। उनके बारे में कुछ पता किया, कैसे लोग हैं? पता नहीं, मैंने वहाँ के कई दोस्तों को फोन करके पूछा कि मैं अपनी बहन की शादी दिग्विजय सिंह के बेटे से करना चाहता हूँ, तो सभी एक लफ्ज बोल रहे थे। क्या? बेचारा। नहीं यार। I hate you all.